करता हूँ अपने ब्लॉग को स्टार्ट, दिखाता हूँ आपको क्या लेने जा रहा हूँ मैं। फ्रेंड से दुकान है जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई, इस समय थोड़ा सा गुड़ लेना था लेकिन इस समय काफी भीड़ लगी है। पूछते हैं इनसे गुड़ है या नहीं है। अंकल गुड़ कैसे रेट है? गुड़ कितने किलो है? एक किलो कर देना। ये हमारे लखनपुर की सबसे अच्छी दुकान है जो हाल फिलहाल दिनों में खुली है और बहुत ही जबरदस्त तरक्की कर रही है। इस समय आप देख सकते हैं पूरी पूरी ये मालिक है इस समय इनकी दुकान की। ये दोस्त लिया है हमारा गुड़, देख सकते हो आप अच्छे से शक्ल। फ्रेंड्स मिल गए हैं अपना सामान, गुड़ लेते हैं और चलते हैं घर की ओर, दिखाते हैं आपको गुड़ कैसा है। ले लिया है गुड़, अब देख सकते हो इस वीडियो में एक किलो गुड़ ले लिया है। थोड़ा कुछ काम है, मम्मी ने मंगाया है इसके लिए। अगर कुछ काम अच्छा सा होगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो में दिखाऊँगा क्या क्या करती है मम्मी, इससे क्या बनाती है। ये आप देख सकते हो अपनी कॉलोनी के रास्ते ऐसे हैं, अभी तो हाल फिलहाल नई कॉलोनी है। चलते हैं दोस्तों घर। ये मेरी माता श्री हरी सब्जी लाते हुए। ये माता श्री क्या करना चाहते हो इसका? खेत में इतना ही हो रहा था। हाँ। चलो बढ़िया है, काटो फिर दिखाते हैं अपने यूट्यूब फैमिली को कैसे काट रहे हो क्या कर रहे हो। ये है दो गड्डी। अच्छा अच्छा लग रहा है तो बहुत टेस्ट हो रहा है। अच्छा बहुत टेस्ट, अभी से पता चल गया आपको बिना खाए? अभी पहले बनाए खाया था ना। अच्छा तो ये दूसरे बार फिर छाट के ला रहे हैं। चलो सही है, फिर पूछते हैं मम्मी से कि वो कैसे बनाएगी इस हरी सब्जी को। मम्मी जी कुछ बताइए ना। हम इसको पहले धोएंगे, पहले छाट रहे थे, धोएंगे इसको, धो के फिर इसको मिक्सी में पीस दूंगे। अच्छा मिक्सी में पीस के अच्छा इसको उबाल ना पनीर डाल के इसको बना दूंगा। फ्रेंड शाम का समय हो गया है, ये आप देख सकते हो चाय उबल रही है हमारी बड़ी अच्छे तरीके से। और आपको दिखाते हैं चाय कौन बना रहा है इस समय। ये हमारी भाभी श्री है चाय बनाते समय, आप देख सकते हो शाम के 5 ही बज चुके हैं। ये देखो कितना बड़ा पतीला चढ़ा दिया चाय के लिए। चाय के लिए नहीं, आंवले उबालने के लिए। आंवले उबालने के लिए क्या करोगे? आंवले उबाल के आप करोगे यार? अच्छा जी, आता ही नहीं बनाना। क्या आता बनाना? ये देखो चाय उबलती हुई हमारी, हमारे देवर जी बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। अभी नहीं बनाऊंगा, अभी टाइम लगेगा बनाने में उसको। अच्छा अभी तो बनाने वाले हैं हरी सब्जी, दिखाएंगे आपको। छोले बनाएंगे हम आज रात को, आज हमारा व्रत है ना, और हरी सब्जी बनाएंगे उसके साथ। अच्छा तो आपको भी खिलाएंगे, ठीक है? बढ़िया है। ये चाय रेडी होकर आ गई है हमारे सामने, ये देख सकते हो आप लोग ये चाय का कैसे वेट कर रहे हैं, कितनी जिज्ञासा से वेट कर रहे हैं चाय का। इनके चेहरे पे मुस्कान भी देख सकते हो आप। आपको करवाते हैं इनसे बात और इनकी हंसी का राज जानते हैं। माता जी बताइए अपने हंसी का राज, आप क्यों हंस रहे हो? आप बहुत चाय बना के लाए और इसलिए अच्छा लग रहा है, जल्दी से उठ के बैठ गए इसलिए हंसी आ रही है। अच्छा जी अच्छा जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कुछ भी नहीं, पर यही सोच रही थी चाय पी लूं। अच्छा व्रत है ना, भूख सी लगी है, मैंने सोचा चाय पी लूंगी तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं साफ साफ देख सकते हो आप, क्योंकि ये सोमवार के नाम पे व्रत रखते हैं और दोपहर में आके आराम से कोने में बैठे खाना खा लेते हैं, उसके बाद व्रत रखते हैं, उसके बाद अपना फास्ट रखते हैं। ये देखो अपने मम्मी के मुंह से भी सुन लिया होगा क्या कहा मम्मी मैंने, सच में सही कह रहा ना? खाया होगा छोटे बाबू ने देखा होगा इसीलिए बोल रहा है ये। आ गया अंकल की दुकान, अंकल दूध दे देना मेरा भी। ये देखो गुड़िया, नाम तो बता दे अपना, बेटे बन रही तेरी। ये अंकल दूध दिया है अपना, लेते हैं दूध चलते हैं घर। अब बता दे नाम अपना। नीसा। अच्छा बढ़िया नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ती है अभी? तो जल्दी जल्दी बताओ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हरी सब्जी काटते हो कैसे काट रही है मम्मी इस समय, आप देख सकते हो ये खतरनाक तरीके से काटी जा रही है सब्जी, कभी आपने शायद नोटिस भी नहीं की होगी। ये देखो मम्मी की शक्ल। अच्छी काट रही ना? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी काट रही है, आप देख सकते हो हरी सब्जी की तैयारी कर दी हमने कंप्लीट काट कूट के। अब लगाते हैं इसको तड़का, ये है लोहे की कढ़ाई, दिखाते हैं इसमें हरी सब्जी डालकर। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, बता सकते हो कुछ क्यों काटा जा रहा है भाई इतनी सब्जी?
ये सवेरे इसका पालक पनीर बनाएंगे, इसलिए इसको अभी तैयार करके रख देती हूँ, फटाफट सवेरे बनाने की देर नहीं होगी, क्योंकि 6 बजे तैयार चाहिए खाना पीना। 6 बजे इतनी जल्दी कौन जाता है? 6 बजे इसके पापा चले जाते हैं ना। अच्छा जी, इस घर में 3 फुटिया कौन है? वीडियो में आए फटाफट बताए, हाथ खड़ा करे अपना। कौन है 3 फुटिया? और बोनविटा कौन है? दिशु बाबू कौन है? सारे आप ही हो? और गधा कौन है इस घर में? अच्छा जी, इधर आओ, थोड़ा सा फेस तो दिखाओ अपना। आप कहाँ थे आज? स्कूल में। क्या करने गए थे स्कूल में? क्या हुआ स्कूल में? आज आपका नहीं छेड़ूंगा। अरे वाह, आज मेरे फोन नहीं छेड़ोगे? नो, आप प्रॉमिस करोगे, आप लाइट जला के मुझे दे दोगे। क्यों? इसलिए ये मेरे पापा मेरे लिए लाया है, बोला है इसको एक छर्द में देना पड़े बच्चों को। अच्छा, दिखाना जरा क्या चीज है, क्या है ये? अपने मम्मी को ले आओ, चाचू को ले आओ, आमा को ले आओ, बुबू को ले आओ, पापा को ले आओ, किसी को भी ले आओ। बड़े बड़े आधे दिन नहीं लगाए। अब आपकी सबसे अच्छी हरी सब्जी खाती है। ये बन रही है हमारी रोटी गर्मा गर्म। खाना पीना बन चुका है हमारा, जो हमने रेसिपी आपको वीडियो में दिखाई थी कटते हुए, वो बना लिया अच्छे से। रोटी वोटी सब चीज बन चुकी है हमारी। अब खाते हैं खाना, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे एक और नए अच्छे शानदार ब्लॉग में।